بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون मोहतरम साम व न नाज़रीन क्राम जिस तरह आप इस बात को जानते हैं कि दार्फ़ला सिटी कसूर वो हर साल तलीम तस्किया के नाम से रमज़ानमबारक के अंदर एक प्रोग्राम का इनका किया करता था लेकिन इस साल हालात के पेश नज़र वो मुमकिन नहीं रहा तो इस साल व तस्किया ऑनलाइन प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया है उसी सिलसिले की कड़ी है कि मैं आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ अल्लाह से दुआ है कि रबालमीन इन भाइयों की मेहनतों को कोशिशों को कबूल फरमाए और दीन की सरबुलंदी के लिए जो वो मेहनतें कर रहे हैं अल्लाह उनके लिए इसको सदका एजारिया बनाए तो रमजान मुबारक के हवाले से हम एक सीरीज़ लेके आए हैं तो उसका पहला सबक सुनाने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ तो आज हम इन शोज़े की तारीफ उसकी अकसाम और उसकी फज़ीलत के मतलक़ चंद बातें गोश गुजार आपके सामने करेंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को कुरान हदीस को समझने की और उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तोहफ़ी अता फरमाएँ रोज़ा बुनियादी तौर पर ये अरबी ज़बान के अंदर लफ् सोम इसके लिए इस्तेमाल होता है और सोम जो है सामा यूम व सोम यह मस्तर है जिसका मतलब होता है रुक जाना और अलाई और शरी तौर पर रोज़े की तारीफ़ ये है कि आदमी तलुए फजर से लेके सूरज के गरूब होने तक अपने आप को खाने पीने और जिमा से रोक के रखे इस चीज़ का नाम जो है वो रोज़ा है तो बुनियादी तौर पर रोज़े की दो किस्में होती हैं एक वाजिब है और दूसरा नफ़ल है और आगे वाजिब की भी दो किस्में एक वाजिब वो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के ऊपर जो है वो वाजिब और फर्ज़ किया है जिसके अल्लाह रब्बुल रबालमीन क़ुर मजीद में इरशाद फ़रमाते हैं ए आईीन ख़ुतब आलकुमस्या कमा कुब आलिनबल को और वाजिब की दूसरी किस्म वो है कि उसको रब्बुल आलमीन ने तो इंसान के ऊपर वाजिब नहीं किया लेकिन इंसान उसको अपने ऊपर जो है वो वाजिब कर लेता है जिस तरह जो है वो नज़र का रोज़ा इंसान मानता है कि आलमीन ने मेरा फलां काम कर दिया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा नज़र के तो रमज़ान के रोज़े वो शरीयत ने इंसान के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं वो शरीयत की तरफ़ से इंसान के ऊपर वाजिब है और नज़र का रोज़ा वो अल्लाह अ रबालमी ने वाजिब नहीं किया बल्कि इंसान उसको अपने ऊपर जो है वो वाजिब कर लेता है और आगे जो नफल है नफली रोज़े की भी दो किस्में हैं एक नफली रोज़ा जो मुतलक तौर पे रखा जाता है और दूसरा मुद है मुतलक रोज़ा ये है कि किसी भी दिन उन एयाम के अलावा जिन से शरीयत ने रोज़ा रखने से मना किया है तो रोज़ा रखा जा सकता है और मुयद रोज़े से मुराद वो रोज़ा है कि जिसकी शरीयत के अंदर जो है वो किसी दिन के साथ तख़सीस हो गई है जिस तरह पीर का रोज़ा रखना जमेरात का रोज़ा रखना याम बीस के रोज़े रखना और इसी तरह आशूरा और योम अरफा का रोज़ा रखना ये तमाम रोज़े जो है इनका तल्ल सन्नत के साथ है और सही बुखारी और सही मुसलम के अंदर रसूल सल्ला वसलम का फरमान है आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इल्ला अल्लाह यसूमयनफी बिदालिक बादा लकली अनिन सब इन खरीफा वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो आदमी भी एक दिन नफली रोज़ा रखता है अल्लाह आलमीन की रज़ा और खुशनुदी तलाश करने के लिए रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए एक रोज़ा रखता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बाद बाबीद्यूम वजह अनना रबीन खरीफ़ा क़यामत का दिन होगा रब्बुल ला आलमीन एक नफली रोज़े की वजह से इस आदमी के चेहरे को ज़हन्नम से सत्तर साल की मुसाफत से दूर कर देंगे और फर्जी रोज़े के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मनसाम और मगान ईमान वहतसाब गलम तकदमिन जो आदमी ईमान की हालत में शवाब की नीयत से रोज़ा रखता है गुफिर तकदमिन जम्बे तो अल्लाह उस आदमी की ज़िंदगी के गुज्त जितने गुना हैं अल्ला रब्लम रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं तोल्ला रबालमीन से दुआ है कि लबालमीन मुझे और आपको रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और कुरान व सुन्नत के मुताबिक अल्लाह मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू हल लका सरु عند الله بينك انت وبين الله